देखो दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ आपको, इस भाई को देखो, है ना ये एक सच्चा ब्लॉगर भाई ये है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस फोन लेके खुद से बातें कर लेता हूँ हमारे साथ छोटों की। हम जूते पहने हैं, हेलमेट लिया है, प्रसाद भी नहीं लिया, अरे भैया बोले आगे अलाउ नहीं है। और यहाँ पे सब नंगे पैर जा रहे हैं, देखो सब नंगे पैर। इन्हें कैसे पढ़े लिखे गंवार, एक करता है उसके पीछे पीछे दस करते हैं, जैसे भीड़ चाल चलना कहते हैं बड़े बुजुर्ग की भाषा में, ऐसा होता है। देखो पढ़े लिखे गंवार, देखो दोनों लड़कियों को, देखो आंटी को, देखो देखो साफ दिख रहा है। जय श्री श्याम भगवान। हमारे ये राइड भी सेफ रखना और राइड की तरह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की जो हमारी राइड होने वाली है, आज खासकर जैसा कि आज है संडे, एंड जैसा ही आप सभी को पता है मोस्टली अभी संडे को ही टाइम मिलने लगा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि हमारी लाइफ में भी हमारे दिन अच्छे आ चुके हैं, यानी हमारे दिन अच्छे आ चुके हैं, जैसा कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा संडे को ही फ्री रह पाता हूँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, सुबह सुबह मैं अकेला ही नहीं जा रहा, मेरे साथ में जा रहे हैं पंकज भैया। ये उदयपुर वाले पंकज भैया नहीं है, ये दूसरे पंकज भैया हैं। तो अभी पहले हम उनको लेने जा रहे हैं, उन्होंने हालांकि हमारा फ़ोन रिसीव किया नहीं है, अभी सुबह उठा लिया था कि हाँ मैं रेडी हो रहा हूँ, उसके बाद में हमारा कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं किया उन्होंने, एंड ना व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज पहुँचा उन तक, ना व्हाट्सएप कॉल हो पाया, उनका नेट बंद आ रहा है। तो देखते हैं एक बार पहुँचते हैं उनके पास में, जिस लोकेशन पे हमने जाने की बात कही थी उस लोकेशन तक तो पहुँचते हैं एक बार। पंकज सर को हमने ले लिया है, आज हमारे पंकज सर फर्स्ट टाइम हमारी बाइक पे बैठ रहे हैं, हमारे चीते पे, जैसा कि आपको पता है, आपको किसी को नहीं पता लेकिन मुझे पता है और पंकज सर को भी पता है। हालांकि मैं कल बाइक लेके आया था ऑफिस में एंड वो बैठे नहीं थे, तो आज लंबी राइड में ही बैठे हैं, खैर अच्छी बात है हमारे लिए। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, जैसा कि मैंने बताया आपको आज की राइड काफ़ी लंबी तो नहीं होगी लेकिन इनके लिए काफ़ी लंबी होने वाली है, आप लोगों के लिए छोटी रहेगी है और मेरे लिए भी। तो होप सो आज कुछ ना कुछ अच्छा हो भगवान, और आपको ये वीडियो पसंद भी आए तो अभी सबसे पहले यहाँ चढ़े 200 फीट बाईपास से, ताकि क्योंकि मैंने पंकज सर को लिया है वैशाली नगर से, तो मैंने 200 फीट बाईपास से ही बाईपास चढ़ाऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं, यानी 200 फीट से चढ़ाऊँ, अभी 14 नंबर की तरफ जा रहे हैं, देन सिक्कर हाईवे पकड़ लेंगे हम, देन तो देखते हैं चलते हैं। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:21, हालांकि इस वाले डायल में जो मेरे राइट हैंड साइड वाला डायल है ना, इसमें हालांकि कम आता है, थोड़ा आगे आता है टाइम, खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको राइट टाइम बता दिया है कि टाइम एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे चलते चलते। तो कैसी लगी, गुड मॉर्निंग गाइस, देखो सनराइज हो रखा है, सनराइज कर लो, सनराइज बहुत ही प्यारा हुआ है, एंड कुछ हिस्से में माइनर से छोटे से हिस्से में हमें कुछ बारिश, हल्की हल्की बारिश देखने को मिली थी, खैर आगे रास्ते में नहीं दिख रहा है और रोड बिल्कुल सूखा है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप का, इस राइड का, संडे राइड कह लें या फिर आप बाबा का बुलावा कह लें, उससे पता चल गया होगा खाटू श्याम जी थिंग में एंटर हो चुके हम, जल्दी खाटू श्याम जी पहुँच जाएंगे कुछ ही पलों में। पंकज सर से फाइनली मीट कर, यानी मिलाने का टाइम आ गया है, देखो पंकज सर ये रहे, ठीक है ये प्लेन बन के आए आज हमारे, एंड मैं खाटू श्याम जी पहुँच चुका हूँ, हमें टाइम लगा इस बार ज़्यादा लगा क्योंकि पंकज सर थे हमारे साथ में, थोड़ा गाड़ी स्लो चलाई मैंने, गाड़ी ऐसे स्लो चलाई क्योंकि मैं चोमू तक तो बहुत स्लो थी गाड़ी मेरी, फिर उसके बाद मैं रिंगस तक अच्छी खींच के लाया हूँ, रिंगस से बहुत काफ़ी स्लो चलाई मैंने, काफ़ी मज़ा आया, पहुँच गए फाइनली हम खाटू, दर्शन करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है हमें, और हमें खाटू आने में
एक घंटा 15 मिनट लगे, सवा घंटा कह सकते हैं। तो पहले दर्शन कर लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, जूते खोल देते हैं, हेलमेट रख देते हैं, साथ साथ और भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं दोबारा। ओके सर, राधे राधे लिखवाओगे गाल पे? अरे सर लिखवाओ, भक्त लगोगे बिल्कुल। कितने कितने टाइम बाद आए हो आप सर खाटू श्याम जी? लगभग 3-3.5 साल बाद। 3 साल बाद आए सर खाटू श्याम जी, और मैं तो खैर आता ही रहता हूँ, कभी कभी पता नहीं है बाइक उठाई और आगे जाते हैं। और जैसा कि देखा आपने, यहाँ पे एक और क्रॉसिंग है बाइक की, यहाँ पे भी आ सकती थी बाइक, लेकिन खैर कोई बात नहीं, नहीं आई। अभी हमें मंदिर का रास्ता नहीं पता, खुद कोई बस लोगों के पीछे चलते जा रहे हैं, यही आ जाओ सर, आ जाओ। तो सर भी कन्फ्यूज हो रहे हैं। हाँ सर, सर बोलो यार। मंदिर तो मिल जाएगा, भगवान शाम में मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। बोलो सर। कुछ नहीं, पहले मंदिर पहुंचते हैं सर। ठीक है, दर्शन करते हैं। हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये खाटू श्याम जी मंदिर जाने का रास्ता ही है कह सकते हैं, गलियों में से। तो पहले मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं एंड दोबारा मिलते हैं। दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ आपको, इस भाई को देखो, है ना, ये चल रहा है भाई वीडियो कॉल पे, भाई पब्लिक में, ये एक सच्चा ब्लॉगर भाई ये है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस फोन लेके खुद से बातें कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन वो भाई बात भी खुद से भी कर रहा, दूसरे से भी कर रहा है, कितनी अच्छी बात है ना सर। ये सच्चा ब्लॉगर सर, वो यानी दूसरे से भी बात कर रहा, खुद से भी बात कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, देर से कर रहा है, बात तो ये है बहुत देर से। देखो अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आ गया, भीड़ में खो गया, वो रहा भाई देखो ये अंकल हमारा हेलमेट मांग रहे। हमें ये नहीं पता दर्शन किधर होते हैं, दर्शन किधर होते हैं, अंकल सर यहाँ पे सब नंगे पे जा रहे हैं, नंगे ये चीज नोटिस की मैंने नहीं, वो चप्पलें भी जा रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ नोटिस करी मैंने, सब नंगे पैर जा रहे थे यहाँ पे, हमें ऐसा लगा कि हम ही हैं जो कि जूते लेके जा रहे हैं, फिर कोई ना जूते खोल देंगे, देखते हैं देखे आगे क्या सीन है। अरे ये शाम कुंडे यार, गलत आ गए, शाम कुंडे ये। मंदिर तो आगे मिल जाएगा, पूछ लो दर्शन कहाँ होते हैं, शाम कुंडे मेरे हिसाब से बाद में आता है, गीला गीला क्यों हो रहा है सब, अंदर उगाड़े क्यों दिख रहे मुझे, नंगे नंगे दिख रहे सब मुझे अंदर, तब पता चला मुझे ये शाम कुंड है, हमारे साथ चोट होगी। हम जूते पहने हैं, हेलमेट लिया है, प्रसाद भी नहीं लिया, अरे भैया बोले आगे अलाउ नहीं है। और यहाँ पे सब नंगे पैर जा रहे हैं, देखो सब नंगे पैर, सब नंगे पैर जा रहे हैं, तो चलो हम भी उतारते कहीं जुगाड़ करते हैं। शाम दरबार में हम पहुँच चुके हैं, वैसी बात पे जयकारा लगाते थे, जय श्री श्याम आप सभी को, दर्शन करते हैं। और जैसा कि आपको देख रहे हैं, एक नया प्रचलन है यहाँ पे, नया चला है, पहले नहीं था कुछ टाइम तक, तो ये रहा है कि गुलाब चढ़ाने का, यार कोई ना। ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, सॉरी तस्वीर बना रखी है, पढ़े लिखे गंवार जिसे कहा जाता है ना, वो इस मूर्ति से है ना, जैसे मुंह पे देख पा रहे हो कितना सारा प्रसाद लग रहा है, ठीक है। अब एक चीज और बताऊँ, खास वही प्रसाद नीचे देखो कितना सारा इकट्ठा हो रखा है, इन्हें कहते हैं पढ़े लिखे गंवार, एक करता है उसके पीछे पीछे 10 करते हैं, जैसे भीड़ चाल चलना कहते हैं बड़े बुजुर्ग की भाषा में, ऐसा होता है, अक्कल नाम की चीज है, देखना। जो बाबा साहब के दर्शन के लिए बता रहे हो, उनके निवेदन है कर भैया अपने जूते चप्पल कीमती सामान बैग वगैरह, देखो 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 पढ़े लिखे गंवार, देखो दोनों लड़कियों को देखो, आंटी को देखो, देखो साफ दिख रहा है, भगवान भगवान भगवान। हो सकता है पंकज सर को वीडियो में ना ले, ऐसा हो सकता है, मजा तो पंकज सर के बिना आएगा ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ गंवारों का गंवार, पढ़े लिखे गंवार कह सकते हैं उनको, पढ़े लिखे गंवार भी नहीं हो तो पूरे गंवार थे इसका मतलब, नहीं सर अच्छा। अब हाँ उन्होंने किया क्या, वो फोटो पे चलो मानता हूँ, फोटो पे चढ़ाओ मानता हूँ, लेकिन नीचे कुछ हो तो सही, जहाँ पे अपन चलते ना वहाँ पे वो प्रसाद गिरे जा रहा है, नॉर्मल सी बात है,
यहाँ पे इतना गुलाब का पर्सनल है, गुलाब का मैंने देखा, गुलाब पता क्या करते हैं, जाके मंदिर में फेंकते हैं, तो वो चीज़ भी पसंद नहीं आई मुझे काफ़ी टाइम से, वो भी चीज़ पसंद नहीं आई मुझे गुलाब फेंकना, मैं गुलाब लेता नहीं हूँ। एंड पंकजन ने भी नहीं लिया, पंकजन ने प्रसाद लिया था, वो भी इसलिए लिया था कि हम जूते रखने थे हमें इसलिए, बट हालांकि वहाँ नहीं रख पाए। खैर कोई बात नहीं, अभी सबसे पहले चाय पीते हैं, मैंने प्रसाद ले लिया मंदिर के दर्शन करने के बाद में, तो पहले चाय पीते हैं उसके बाद में निकलते जयपुर, बाद दर्शन करने के बाद तो आराम से दे देंगे घर वालों को, क्या पता कि चढ़ाया, चढ़ाना क्या है, मुँह पर तो जाता नहीं सर भगवान के नाम से ही जाता है बस प्रसाद, और क्या। तो चाय पीते हैं, चाय पी करके दोबारा मिलते हैं आपसे, चाय पीते हैं पहले तो अच्छी सी यहाँ पे कहाँ मिलती है देखते हैं। फाइनली चाय पी ली हमने यहाँ से, भाई बना रहे ना बहुत अच्छे बना के दिए फिलहाल तो, और यहाँ से कचौरी भी खा ली है, और यहाँ से दर्शन कर लिए हमने, ठीक है ऑलमोस्ट सभी हो गया है। एंड पंकज सर ने अपना प्रसाद बैग में भी डाल दिया, ठीक है अब हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर, हमारी गाड़ी की ओर जा रहे हैं, गाड़ी लेंगे और फिर निकल जाएंगे जयपुर की ओर। बन गए पंकज सर ने वो कहा क्या मेरे को चलाने तो थोड़ी सी भाई, मैंने भी ठीक है मैंने कहा चला लो थोड़ी सी, आप परेशान हो जाओगे तो आप मुझे दे ही दोगे, खैर मुझे मुझे पता है कि आप परेशान हो जाओगे। हाँ तो पंकज सर हो जाएंगे हालांकि खैर जल्दी परेशान, तो उम्मीद तो हमें यही है क्योंकि हम बाइक पे पीछे बैठे बच्चे नहीं रखते इसलिए। तो हम खाटू के दर्शन हो गए हो सो आपको भी हो गए होंगे, तो फाइनली पंकज सर परेशान हो गए कि तो हमारे पास गाड़ी आ गई, उन्होंने पता था जिसको आदत नहीं होती वो इतनी लंबी नहीं चला सकता गाड़ी, ज़्यादा लंबी नहीं चला सकता, और एंड उनके बैग में इंजरी भी है देन फिर उसके बाद में, इसलिए तो हमने फाइनली ले ली हमारे हाथों में शुभ हाथों में गाड़ी वापस ले ली है। एंड हम जयपुर की तरफ निकल चुके हैं, रिंगस क्रॉस कर दिया है हमने, और अभी टाइम हो रहा है 9:21, देखते हैं जयपुर कब रीच करते हैं हम। एंड काफ़ी मज़ा आया बाबा के दर्शन करके, कुछ चीज़ें देखने को मिली सीखने को मिली, और बाबा से हमने कुछ मांगा नहीं अभी तक, लेकिन अब जाते जाते ज़रूर मांग लेते हैं मन में, ऐसी चीज़ मांगेंगे कि हमारी जल्दी से फैमिली बहुत बड़ी हो जाए, हमारी जो YouTube फैमिली है एंड बस। और तो फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया घर आए, एंड मैं सो भी लिया उसके बाद में हालांकि, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं हालांकि, बट जो खास था उसको मैंने बता दिया है, क्यों अगर आप भी कभी कहीं जाते हैं तो प्लीज़ मंदिर के अंदर के अलावा यानी जहाँ भोग चढ़ता है और जनरली उसके अलावा ऐसे कहीं पे भी तस्वीरों पे प्रसाद ना चढ़ाएं, और उससे कई प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर मान लो कुत्ता वो खाता है, अगर वो कुत्ता खाता है तो कुत्तों के लिए मीठा सही नहीं होता है, एंड उस जगह जानवर भी कोई अलाउ नहीं करता जल्दी से जहाँ तक मुझे पता है, मंदिर के बिल्कुल पास जब इंसानों को दोबारा नहीं दिए जाया जाने दिया जाता तो जानवरों को कैसे करेंगे। तो होप सो आप समझेंगे मेरी ये बात, मैंने क्यों इतना उस पर ऐसा किया, हालांकि मैंने कोई प्रसाद, मेरे को भी एक टाइम पे था मैं भी प्रसाद चढ़ाता था, बट अभी मैंने कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया ऐसा, मैं जब दर्शन करके निकला देन उसके बाद में मैंने प्रसाद लिया, एंड वो प्रसाद बस खाटू श्याम जी के नाम से घर में खिला दिया, सिंपल। तो होप सो आपको ये चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छी लगी या बुरी लगी, अगर आप मुझे कुछ बोलना भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं फिर आपसे कब किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अगर सॉरी तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना जाने से पहले, ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लेना, बेल आइकन पे टिक कर लेना ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ एंड फेसबुक पे भी। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।